नमस्कार, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। जिले के गुड़ विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत महासाव में भ्रष्टाचार की जांच कराने एवं नहरों की मरम्मत करते हुए नहरों में पानी छोड़ने के लिए अनशन पर बैठे भारतीय सर्व सेवा संगठन के अध्यक्ष उमेश पिड़िया ने आज अपना अनशन गुड़ तहसीलदार सौरभ द्विवेदी एवं जनपद पंचायत CEO रीवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के हाथों ज्ञापन सौंप कर अनशन समाप्त किया है। ज्ञापन सौंपने के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों को दिए गए भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय कराए जाने की मांग की गई है। धरना में पहुंचे अधिकारियों द्वारा जांच टीम गठित कर ज्ञापन में दिए गए बिंदुओं पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है एवं जिन लोगों को खाद्यान्न नहीं मिल रहा है उनको खाद्यान्न पर्ची का तत्काल निराकरण करने का आदेश दिया है। जलावे की कोशिश कहीं नहीं छोटे सही या दिया जलावे की कोशिश कहीं नहीं या लोकतंत्र का जिंदा रखे की कोशिश कहीं नहीं उनका हम तहे दिल से अपने तरफ से और तमाम लोगों के तरफ से हम उनका अभिनंदन करे चाहे थे, स्वागत करे चाहे थे, वंदन करे चाहे थे। कौन है उनका शायद ये न मालूम हो कि आज से 25 साल 30 साल पहले यह महासाव एक ऐसा केंद्र रहा जहां से कौनो हफ्ता कौनो महीना नहीं बीतत रहा के आंदोलन प्रदर्शन में न जात रहे हो को कहा रीमा कहा दिल्ली कहा थाने के घेराव कहा कहा के घेराव यह सब होत रहा एहन से यह मेर के अराजकता के माहौल नहीं रहा। लेकिन दुर्भाग्य दुर्भाग्य कहिए कि का कहिए का कुछ समझ में नहीं आता है इसीलिए लोग बाहर लोटा लेकर जाते हैं। साथियों इस ग्राम पंचायत के अंदर जितनी भी नालियां हैं कहीं भी सही ढंग से नहीं बनाई गई है और उनका पैसा निकाला गया है। इसका जवाबदार जिला प्रशासन और ग्राम पंचायत महासभा के सरपंच सचिव हैं। साथियों यहां ऐसा भी जितनी भी रोडें बनवाई गई उन सब रोडों में 2016 में जो पुराना बैंक से छेदी पांडे जी के घर के तरफ जाती है उसका पैसा 2016 में निकाला गया। सुनना चाहिए बस यही चाह रहे इसीलिए सामने सर हम लोग चाहेंगे एक दो बार सर हम लोगों का निवेदन है कि आप सेल्समैन के खिलाफ FIR करें। सर कुछ दिन पहले हमने SDM साहब को इसकी FIR उसके उसके उसमें कराए नहीं आपसे कितनी साहब हैं ये पीछे पीछे सेल्समैन के बांटते हैं सर। नहीं ये बताइए कभी आते नहीं है ये नई है कि पुरानी में बंद नहीं है ये बताइए आपको मालूम है ये नहीं है महोदय अभी देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं खुलवाइए ताला भी देख लीजिए इसका ताला खुलवाइए साहब देख लीजिए पहले से बिल्डिंग बनी हुई थी आपके सामने बनी है अब चार ये बनी है चार ये पान मंडी थी पूरा कैप्चर कर ऊपर बस बनी हुई ऊपर बनी नीचे तो बनी खुलवा के देख लीजिए पहले इसकी बात जो सही बनी उसको मैं नहीं कर रहा हूं जो गलत बनी है जो गलत बनी सामने ही मैम आ रहा सब कुछ सामने ही आ रहा देख लीजिए अब सचिव आपके सामने है हम लोगों ने कभी सचिव को देखा नहीं साहब आज आपको सुनना पड़ेगा गरीबों का सर के सामने बोल रहे हैं मैम के सामने बोल रहे हैं उनसे ये पूछिए कि सेल्समैन क्या करता है यहाँ 24 घंटे में ये बताइए यहाँ दारू पीता है क्या करता है क्यों यहाँ सेल्समैन बैठ के क्या करता है 7 साल के गति में बताइए ना आप सुन लीजिए मालूम है सरपंच को एक भी काम आप बोलिए ना मुंह बंद है सेल्समैन क्या करता है मोदी इतने भी मैम समझ गए इतने भी समझ गए ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन जाए बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आप मिले 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 और साइड में खड़े हो जाइए हो गया बात हाँ आपका नाम वगैरह लिख लेंगे ये लोग बहुत बहुत धन्यवाद महोदय और सर ये अम्मा है बोल रही है 3-4 महीने से लाइट इनके घर में नहीं है
तीन चार महीने से लाइट ही नहीं, 20-25 है जहाँ लाइट ही नहीं है। मुझे बस्ती और वो मैसेज कर देना मुझे। बिल्कुल 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 जी जी खाली मुझे मैसेज। ठीक 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 बिल्कुल सब दे दिया। ठीक पहुँच जाएंगे, परेशान घर का नुकसानी हुई होगी ठीक है ना। बिल्कुल अनशन कार्यों में प्रमुख रूप से उमेश पिड़िया, शिवेश चतुर्वेदी, टीपू खान, राजाराम चौरसिया, मोतीलाल चौरसिया, महेश चौरसिया, संजय चौरसिया, संदीप चौरसिया, रितेश तिवारी, शुभम उपाध्याय, सनी समदड़िया, अमित गोस्वामी, रामानुज तिवारी, तीरथ चौरसिया, दीगन लाल चौरसिया, सुरेंद्र द्विवेदी, राम नरेश चौधरी, अलाउद्दीन खान, आदर्श मिश्रा, मनोज दुबे, रामू सोनी, कमलेश्वर सिंह परिहार, संजीव गुप्ता, पारस विश्वकर्मा, पुष्पेंद्र पाठक, हजारी लाल सोनी, गुलाब भाई, पवन तिवारी, रवि पाठक, भूपेंद्र सिंह, रजनीश दुबे, बालेंद्र दुबे, रवि त्रिपाठी एवं समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे। खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज। तब तक के लिए।